कितना अजीब है ना, एक लड़का और एक लड़की आपस में टकराते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं, कभी कभी लगता है ये एक ख्याल सा है, लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे। चले आइए, आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, और ये कोई तसव्वुराती कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी एक हादसे से शुरू हुई। नहीं, असल में हर चीज 4 साल पहले शुरू हुई। मेरी जिंदगी में वो एक खुशी का दिन था। इस्तांबुल मेरे ख्वाबों का शहर था और सर में ग्रेजुएशन मेरी बहुत करीब थी, और उस दिन मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरी सिलेक्शन हो गई। अरे मुबारक हो। मेरी सिलेक्शन हो गई। बाबा, मुझे इस्तांबुल जाना होगा। बिल्कुल वही हुआ जिसका मुझे डर था। बाबा ने मुझे इस्तांबुल भेजने से इनकार कर दिया। इस घर से निकलने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। या तो मुझे गोली मार दे बाबा, या मुझे जाने की इजाजत दे। मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। मेरे लिए हर दरवाजा बंद होने वाला था, लेकिन मैं अपने हर इरादे पर डटी रही और अपने ख्वाबों को पूरा करने निकल गई। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। मैंने अम्मी के फर्माबरदार बेटी बनने की आखिरी हद तक कोशिश की, हमेशा मेहनत की, और स्कूल भी फर्स्ट पोजीशन के साथ खत्म किया। स्कूल ने मुझे ये काम करने की हिम्मत देने के साथ एक दोस्त भी दी। वहां मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्त से मिली, जो मेरे साथ ही रहती है। हम सिर्फ एक घर ही नहीं, एक ख्वाब भी शेयर कर रहे थे। हम मिलकर एक वर्कशॉप खोलना चाहते थे और अपना एक ब्रांड बनाना चाहते थे। हर शय हकीकत ना होने के बावजूद भी कितनी खूबसूरत थी। उस दिन मैं फूड पॉइजनिंग की वजह से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गई, और उसी दिन मुझे प्यार भी हो गया। उस दिन से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज तो सब बदलने वाला था। कहानियों के सफेद घोड़े वाला शहजादा डॉक्टर की शक्ल में मेरे सामने खड़ा था, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। फिर एक दिन, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? अभी ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, मुझे उससे प्यार हो गया है। अरे क्या बाबा इतनी जल्दी मान सकते हैं शिमाल? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाबा को मनाना इतना आसान काम नहीं है, तुम जानती हो। आपी, मैं जानती हूँ तुम बाबा को किसी भी तरह से मना लोगी, बस मेरे आने से पहले थोड़ी सी बात उनके कान में डाल दो। प्लीज डाल दो ना। अपने बाप से पूछे बिना वो शादी का फैसला कैसे कर सकती है? हाँ, पढ़ने लिखने की इस उम्र में वो क्या गुल खिला रही है? हाँ, और हम कितने खुश थे कि हमारी बहन की तालीम मुकम्मल होने जा रही है, पर ये लड़की तो हमें अपने शौहर से मिलवाने जा रही है और हमें इसकी खबर तक नहीं हुई। बाबा चुप। कैसे शौहर, क्या बकवास है? हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हेलो आपी, बाबा ने क्या कहा बताओ? उन्होंने कबूल कर लिया ना? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, उन्होंने कहा चलो चलकर देख लेते हैं। कर लिया कबूल? कर लिया कबूल? हाँ शिमाल, कर लिया कबूल। ठीक है ठीक है। सुनो, तैयारी कर ली तुमने? ये क्या है यार, इतने छोटे से मुर्गी के दड़बे के इतने सारे पैसे? मैडम आपकी मर्जी है, दुकान लें या ना लें, पैसे इतने ही होंगे। एशली, एशली। अरे यार, क्या मुझे आने में देर हो गई? अरे तुम्हें देखना चाहिए था यार, क्या बेवकूफी की बातें कर रहा था वो आदमी। खाली रहेगी इसकी दुकान, देख लेना तुम, इतनी सी दुकान के इतने पैसे। हाँ ये तो है।
अरे तुम परेशान मत हो, हम इसी तरह की कोई और जगह ढूंढ लेंगे। बेफिक्र रहो, वर्कशॉप तो जरूर खुलेगी और हमारे ख्वाब भी जरूर पूरे होंगे। वाह वाह, इस पॉजिटिविटी का क्या राज है भाई? बस तैयार हो जाओ। किस लिए? आप ही ने बाबा से बात कर ली है और कह रही थी बाबा ने कबूल कर लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना। उस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन बाद में क्या होने वाला था उससे बेखबर थी। तो शिवान साहब, क्या आप रजब की बेटी नाजली को अपनी बीवी कबूल करते हैं? शिवान, मैं दोबारा पूछता हूँ, शिवान साहब, क्या आप नाजली को अपनी बीवी कबूल करते हैं? मेरे शोहर शिवान, मेरी जान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी ख्वाब जैसी हो गई है। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें अब जाकर बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। चलो अब चलते हैं। बकवास मत करो। नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, हमने क्या फैसला किया था कि सब काम बारी बारी करेंगे, हर चीज हम आराम से और बारी बारी करेंगे। मेरी मीटिंग है, मुझे बहुत देर हो गई, जाना होगा। बाबा जान, क्या अपने बेबी को किस भी नहीं करके जाओगे? हमारा बच्चा। अब जाऊं मैं। मुझे तो कल की हेडलाइन सभी से साफ नजर आ रही है कि शिवान, जो लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करता है, अपने घर वालों से छुपके उसने निकाह कर लिया है। मैं क्या कर सकता था यार, वो लड़की कह रही थी मैं हामला हूँ, अब बताओ इस सूरत में मैं क्या करता, उसे छोड़ देता? ये तो है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारा घर वालों को बताने का क्या प्लान है? पता नहीं यार, हो सकता है किसी पार्टी में बता दूं मैं। बस यार, अम्मी और बाबा एक बार मान जाए, यही सोचा है मैंने। यार, अपने पोते का सुन के तो वो जरूर मान ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा मेरी जान लेकर ही रहेगा। या तो मैं पागल होके पागल खाने चला जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता, उससे पहले तुम मुझे मार देना चाहते हो। बाबा जान, आप ठंडे हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी तस्वीर तो देखो जरा, कैसे कैसे बेहुदा पोज देता है ये, अपने बाप की इज्जत का ख्याल भी नहीं करता ये बेशरम इंसान। नो तेरा, बाबा जान आप रिलैक्स हो जाएं। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरा भाई किसी काबिल ही नहीं है। मैं आपकी टाई ढीली कर देता हूँ, आपको सुकून मिलेगा। कान, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मार दोगे क्या? आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान, शिवान मुझे जहनी मरीज बनाकर ही छोड़ेगा। देखो कितना है, 9-13 है। आह शिवान, अरे शिवान, अरे लड़कियों के पीछे घूमने वाले, अंतिम की कोई शरीफ ही लड़की ढूंढ लेता, क्या मुसीबत है। हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, दर्द से फटा जा रहा है, कोई तो मदद करे। मरियम, आ गई मरियम, इधर आ, आ गई मैं। हाय हाय, इधर आ, जल्दी ला, जल्दी ला, जल्दी लेकर आ। हाय, गुस्से की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया, ला जल्दी ला, ला ला, उठा के दे जल्दी से ला। ये लो, देख देखिए कैसे हंस रहा है, ऐसे तस्वीर में हंस रहा है जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। हाय मेरे अल्लाह, मुझे अपने बच्चों की खुशियां देखनी थी, लेकिन देखो ये क्या दिखा रहा है। और शिवान, ये दिन दिखाना बाकी रह गया था मुझे, ला मुझे एक और खाने को दे। आए, गुस्से में ज्यादा भूख लगती है ना। वैसे शादी के बाद लोग सीधा हनीमून पे जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त तुम तो सीधे ऑफिस आ गए। चुप हो जाए यार, मेरे साथ वैसे ही बहुत मसले चल रहे हैं।
शिवान साहब, शिवान साहब। शिवान साहब, आप कहाँ थे? हम कब से आपकी राहें तक रहे हैं? वो एक काम था कुछ। अच्छा, आप तो बहुत मसरूफ आदमी हैं। आप क्यों काम छोड़कर आ गए मियाँ? हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम थोड़ा और इंतजार कर लेते आपका। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोड़े से ये बताएं, मुझे क्यों बुलाया यहाँ? सब खैरियत तो है? खैरियत है या नहीं ये तुम मुझे बताओगे शिवान मियाँ। नाजली की बात से शुरू करते हैं। मसलन तुम दोनों छुप छुप के क्या क्या हरकतें कर रहे हो? आपने भी सुन लिया? अरे पूरी दुनिया ने सुन लिया, मैं क्या चीज हूँ? पूरी दुनिया ने सुन लिया, अरे अखबारों की जीनत बने हुए हो तुम। बाबा मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ। क्या समझाओगे? बचा क्या है समझाने को, बताओ। देखिए बाबा, मेरी एक बार बात तो सुने, मुझे हक की बात नहीं आता करने का। मुझे मैं इतना मजबूर हो गया था कि कैसे समझाओगे तुम मुझे? हाँ बोलो, कैसे समझाओगे? कितने खुशी खुशी इस लड़की की बाहों में झूल रहे हो। आहा, ये देखो, इस तस्वीर को देखो जरा, इस तस्वीर को देखो, हर जगह हो तुम। दिखाओ क्या मजबूरी थी तुम्हारी। अच्छा आप इसकी बात कर रहे थे बाबा। शर्मों की तरह हंस भी रहे हो तुम मेरे सामने। तुम्हारे ताल्लुक तो उससे खत्म नहीं हो गए थे, तुम तो उससे मिलने भी नहीं वाले थे, तो फिर ये सब क्या है? इधर मेरी आंखों में देखो, जवाब दो मुझे, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? दोस्त हैं सिर्फ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बाबा जान, और कुछ नहीं। इस लड़की ने मुझे उस दिन बहुत फोन किए थे। दरअसल वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, इसलिए मुझसे कहा उसने कि थोड़ी सी मेरी आकर मदद कर दो बस। मुश्किल तुमने हल की? क्या बात है, मतलब तुम ऐसे नहीं बताओगे? जिनसे मीटिंग थी वो आ चुके हैं शिवान साहब। जबरदस्त, क्या टाइम पे आए हो। हाय गाइस, यू आर वेरी वेलकम टू आवर कंपनी। यू कैन लिसन टू माय प्रेजेंटेशन ऑन योर हेडफोन इन जैपनीज। हम बड़े फखर के साथ अपना मास्टरपीस आपको दिखाना चाहते हैं। ये अब तक की हमारी सबसे बेहतरीन सीरीज का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसको शीशे से गर्म करके बनाया गया है, सोने का बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये कि हैंडमेड है। रेट्रो, एक ऐसी चीज जो चमकती है और आंखों को अट्रैक्ट करती है। ये ऐसा शाहकार है जो आपकी कंपनी को रातों रात चार चांद लगा देगा। इसको हमने बिल्कुल यूरोप की तर्ज पे बनाया है, और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ हमारे पास ही मिल सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप आगे फिर मिलेंगे। शाजिया, अब कहवा पीने का टाइम है। शिवान ने आज दिखा दिया कि वो क्या है, जापानियों के साथ एक साल का एग्रीमेंट। सही कह रहे हैं आप सर, ऐसा कोई काम है जो शिवान साहब नहीं कर पाए? एक उस आदमी को देखो जिसने जापानियों को मदहोश कर दिया, और दूसरी तरफ वो आदमी है जो कि लड़कियों के साथ तस्वीरें बना रहा है। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जब उनकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा सर। कैसी बातें कर रही हो शाजिया, कैसी? ऐसे लड़के के साथ शादी कौन करेगा, अल्लाह ही जानता है। शाजिया, बहुत अच्छी बात की है तुमने, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। देखो वो फिर फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या बात है। यार कोई काम वगैरह निकल आया होगा उसका, तुम्हें इतना भी नहीं घबराना चाहिए। कैसे ना घबराऊं, तुम क्या बात कर रही हो, कितनी देर से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे तुम फजूल की बातें क्यों कर रही हो यार, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो यार हमें खबर हो जाती। क्या पता कि वो किसी ऑपरेशन में बिजी हो, आखिर उसे आना तो तुम्हारे पास ही है ना, परेशान मत हो तुम। पता नहीं यार, घर वाले भी निकल चुके हैं, मुझे घबराहट हो रही है। परेशान मत हो। कहाँ हो तुम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे?
कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? शिमाल बहुत प्यारी लड़की है, खूबसूरत भी बहुत है। मतलब ऐसी लड़की हर किसी के नसीब में नहीं होती, लेकिन 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 मुझे उस पर फिर भी यकीन नहीं, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम नहीं जानते तो इस दुनिया से दूर ही रहो। दोस्तों ये क्या है देखो। सुनो तुम लोगों को एक हिंट दूं मैं, ये शिवान की फैमिली की खानदानी अंगूठी है। देखो नजर आ रहा है ना तुम्हें। अब एक चीज और देखो, ये क्या है बताओ। मैं उसकी बीवी बनने जा रही हूँ, हकीकी नाजली शिवान। आज से तुम लोग मुझे नाजली शिवान के नाम से पुकारना। इस कार्टून की शादी शिवान से हो रही है। बाबा से बात की तुमने या नहीं? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जल्दी जवाब दो। मैंने फैसला किया है। आपकी क्या बात है बाबा जान? अरे बात सुन लो पहले। यानी देखो बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। काम 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 बहुत हो गया ये काम। मैंने ये सोचा है कि कंपनी तुम दोनों में से किसी एक के हवाले करके जाना चाहता हूँ। मतलब यानी कंपनी मेरी? काम की बात कर लेते हैं बाबा। बाबा कंपनी मेरे नाम कर रहे होंगे, आप ही बताएं ना बाबा। मेरे भाई जरा देखो, यहाँ तुम्हारा बड़ा भाई बैठा हुआ है। और पहले तुम अपना दिमाग लड़कियों और नाइट क्लब से हटाओ, तो फिर कंपनी के बारे में सोचना। उन सब बातों का इससे क्या ताल्लुक है बाबा, बताएं ना इसे। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही इसने। काम की दुनिया है ये, हर चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। बात पैसों की नहीं है, बात हमारे खानदान की इज्जत की है। बात अगर पैसों की हुई तो तुम्हारे दादा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। हमारे प्यारे दादा जान, इस सूरत हाल से तो ये लगता है कि कंपनी की सारी जिम्मेदारियां मेरे अपने कंधों पर आने वाली हैं। मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा। तुम दोनों इंसाफ के साथ अपनी किस्मत आजमाओगे। जिसने अपना घर पहले बसा लिया, शादी कर ली, मैं कंपनी उसके नाम कर दूंगा। तो बाबा आपके लिए खुशखबरी लाया हूं मैं। नाजली की बात मुझसे नहीं करना। तो कुछ नहीं बाबा जान, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। बहू का मतलब होता है कि एक रस्म रिवाज वाली लड़की, यानी उसका शरीफ होना लाजमी है। यानी हमारे खानदान की लड़की होनी चाहिए, हमारे खानदान से होनी चाहिए। उसे उठने बैठने का सलीका होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करना जानती हो और हसमुख होनी चाहिए। ऐसी बहू हो तो मजा ही आ जाए। मुझे कोई शहरी दामाद नहीं चाहिए बिल्कुल। क्या वो लालची है? क्या वो चोर है? क्या वो मेरी बेटी से प्यार करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा उसकी? क्या उसका तहफ्फुज़ कर पाएगा वो? हमें तो उसका अगला पिछला कुछ भी मालूम नहीं। शराब जुआ या कोई और बुरे लत तो नहीं है उसे? ये सब जानना भी तो जरूरी है। पहले मैं उसकी आंखों में देखूंगा वो मुझसे आंखें मिला पाता भी है या नहीं, फिर हम उसके आसपास वालों से तहकीक करेंगे। अगर पसंद आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो छोड़ो मेरे हाथ को। बाबा ये क्या कर रहे हैं, रखे इसको अंदर, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का चाहिए, बात खत्म। मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छी लड़की चाहिए, बात खत्म। इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी उसे मिलेगी जो तुम्हारी माँ की पसंद की बहू लाएगा, इतनी सी बात है। चलो खाना खाओ। बाबा जान मैं जरा बाथरूम से होकर आता हूँ, अभी आया बस 5 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, पहचाना मैं ओकान? हाँ पहचान लिया। कैसे हो बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं, बस एक जरा मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे शादी के लिए एक लड़की चाहिए। शे, चुप करो,
दिमाग ठिकाने पर है? मेरी मदद कर देना इस बार प्लीज। अगर ये मसला संजीदा नहीं होता तो मैं आपको कॉल क्यों करता? ये मैं अपने लिए नहीं, अपने बाबा के लिए कर रहा हूँ। ओहो, क्या हो गया बेटा? क्या मेरे बेटे तहसीन को कुछ हो गया है क्या? मरने वाला है क्या? देखो मुझे सच सच बता दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा को भाई, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ ना तो मैं जरूर मर जाऊंगा। ओहो, इतनी रात में तुम्हें क्या मसला पड़ गया? बीवी चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। ऐसी बातें मत करें, मैं जानता हूँ आप ढूंढ लेंगी। मुझे अपनी अम्मी अब्बू के लिए अच्छे खानदान की एक अच्छी सी दुल्हन चाहिए, और मैं जानता हूँ मेरा ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। क्या मतलब मैंने नहीं बताया शिवान? अरे मेरी जान, नहीं बता पाया, टाइम ही कहाँ है मेरे पास। ठीक है, फिर कल आकर मैं खुद ही बता देती हूँ ये सब मामला। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं बात करूँगा बाबा से, मैं बात करूँगा, तुम घबराओ मत। ठीक है ठीक है, फिर मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कल तक की मोहलत दे रही हूँ, भूलना मत तुम। हेलो। हाँ जान, कहाँ पर हो? इतनी देर से मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र तुम्हारी आवाज़ तो सुनी। शिमाल, एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिमाल, आपका जो दिल चाहता है वो करे शिवान साहब, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। आवाज़, ये आवाज़ किसकी आ रही है? अरे कोई भी नहीं है, मैं दरअसल बाहर हूँ ना, तो यहाँ एक लड़की फोन पर बात कर रही है। देखो मुझे बिल्कुल बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। आज रात तुमने अपने बाबा से बात कर ली तो ठीक है, वरना कल मैं उनसे आकर खुद बात करूंगी, देख लो तुम। नाजली बातों सुनो। नाजली। शिमाल, मैं ये सब नहीं कर सकूंगा। क्या नहीं कर सकोगे, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकूंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये फैसला मैंने जल्दबाजी में लिया था, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? उसका फोन आया है क्या तुम्हारे पास? बोलो, परेशान क्यों हो? कैनान का फोन था, कह रहा था कि मुझसे शादी नहीं कर सकता, कह रहा था मुझे माफ कर दो। क्या? ठीक है तुम बैठो तो जरा। तुम्हें यकीन है? वो आदमी तो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था। यार मुझे नहीं पता, नहीं मालूम मुझे, वो कहीं बाहर था, किसी लड़की की आवाजें आ रही थी, मैंने खुद सुना। उसने इतनी आसानी से मुझे कैसे छोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या वो वाकई वही कैनान था, और वो भी ऐसे टेलीफोन पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाऊंगी, उससे बात करूंगी, वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकता। तुम क्या कर रही हो, किधर जा रही हो? अरे मैं उससे बात करने जा रही हूँ, हटो मेरे। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। एशली, मैंने कहा यहाँ से हटो, मुझे जाना है। और जाकर क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें साल में अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी, इतनी रात में कहाँ ढूंढोगी उसे? मुझे चाबी दो एशली। नहीं दूंगी मैं, अब अंदर चलो और सुकून से बैठो, जो करना है सुबह करना, जाकर चलो अब। एक और देना मुझे। बस करो, इतनी मत पियो, इतना तो पी चुकी हो तुम। डरपोक कहीं का। तुम्हें पता है उसे अभी अपने बाबा को बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही, सालों से मुझे घुमाता आ रहा है, क्या मैं उसे पागल दिखती हूँ? वो बेवकूफ सोचता है कि वो अभी मुझे पागल बना लेगा, लेकिन नहीं, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं बताता, मुझे खुद ही उसके बाबा को बताना पड़ेगा। ये सब तो तुम अभी कह रही हो, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने उससे शादी की है और मेरे पास उस शादी का सर्टिफिकेट है, समझ आई क्या? और जब तक उसे ये सब मालूम होगा तब तक मैं आधा रास्ता तय कर चुकी हूँ। तुम भी यार, अभी अमेरिका जाना था तुम्हें? देखो मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे मेरे ही किए की सजा मिल रही है, लेकिन मैंने उस कंपनी को अपनी जिंदगी दी है, ऐसी फालतू गलतियों की वजह से ये कंपनी अपने भाई को नहीं दे सकता। हेलो, मैं ओकान बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरे लिए कोई अच्छी लड़की मिली? बेटा अभी 10 मिनट पहले ही तुमने मुझे फोन किया है, तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है बेटा? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपको याद दिलाने के लिए फोन कर रहा था, आपकी उम्र हो गई है ना तो आप भूल जाती हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मैं देख रही हूँ बेटा। प्लीज जल्दी करें, और बहुत प्यारी सी होनी चाहिए। फोन रखो तुम। ये कितना हैंडसम है ना,
हाँ हाँ हैंडसम तो बहुत है और दीवाना भी हुआ जा रहा है, इंतजार में पागल भी हुआ जा रहा है। सच में? और नहीं तो क्या, कई मर्तबा फोन कर दिया उसने तुम्हारे लिए। तो ठीक है फिर मैं जाती हूँ वहाँ पे। क्या बकवास कर रही हो, इस तरह कोई अपनी शादी के लिए खुद चला जाता है क्या पागल कहीं की? वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ। ऐसा कहाँ होता है बेटी, पहले दोनों खानदान को मिलने तो दो। अरे छोड़े ना इन रस्म रिवाजों को, आशिक हो गई हूँ मैं, आशिक। मत देखो इधर। मैं समझ रही हूँ क्या हो रहा है ये। तुमने ओकान को बुरा ना लगे इसलिए ऐसी शर्त रखी है ना? लेकिन अगर ओकान ने पहले कोई लड़की ढूंढ ली तो तुम क्या करोगे? तुम फिकर ना करो बेगम, मैं उस आशिक मिजाज शिवान को अच्छी तरह जानता हूँ। अब जब कंपनी की बात आ गई है तो वो क्या करेगा मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कंपनी के लिए अपने बड़े भाई से रेस लगाएगा। देखो एक तीर से दो शिकार कैसे करते हैं। ओकान को बुरा भी नहीं लगेगा और इसी बहाने शिवान भी सुधर जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ भाई, मुझे अंतिम की ही लड़की चाहिए। हाँ ये शहरी वहरी लड़कियाँ मुझे एक आंख नहीं भाती। हाँ क्या हुआ मिराल, क्यों मुझे सुबह से फोन किए जा रही हो? मिराल हाँ, बड़ा ही चालू लड़का है ये, अभी से ही शुरू हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो शिवान, कैसे हो तुम? कल रात बार में तुम्हारी बीवी से मुलाकात हुई, बहुत अफसोस हुआ तुमने तो शादी में भी नहीं बुलाया। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। तुम मुझसे कितनी भी बदतमीजी कर लो लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ। जाहिर है उस चलाक लड़की ने तुम्हें शादी के लिए राजी कर ही लिया। और कहा होगा कि मैं हामला हूँ शिवान। एक मिनट क्या बोल रही हो तुम? ये तो तुम अपनी प्यारी बीवी से पूछो मेरी जान। कल रात को वो मदहोश होकर किसी को बता रही थी कि उसने तुम्हें कैसे फंसाया। हामला मामला नहीं है वो। उसका नाम तो बताएं जरा। विल्डन। बड़ा प्यारा नाम है, देखने में तो खूबसूरत है ना? खूबसूरत है और आदतें भी बहुत अच्छी हैं उसकी। अरे आदतों को छोड़े, ये बताए वो खुद खूबसूरत है या नहीं। तुम भी कैसे मुश्किल सवालात कर रहे हो बेटा। खूबसूरत है बेटा, अल्लाह की बनाई हुई हर शेख खूबसूरत होती है बेटा। ठीक है ठीक है। अच्छा आप एक काम पहले कर दें, जल्दी से अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर मुझे भेज दें, क्योंकि मैं उसकी तस्वीर देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। रखो फोन, मैं भेजती हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं अपनी मोहब्बत से मिलने जा रही हूँ। इस मोहब्बत के लिए मैं अपने माँ बाप क्या पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अलविदा विल्दान। हिसाब देने का वक्त आ गया है केनान, अब देखती हूँ कि तुम कहाँ भागते हो। खोलो दरवाजा। शिमाल। हाँ शिमाल, शिमाल मोबाइल पे आसानी से अलविदा कह के जान छुड़ा रहे। शिमाल अभी बात करने का सही वक्त नहीं है, ये जगह भी सही नहीं है, हम कहीं और जाकर बात कर लेंगे। नहीं यही वक्त है, हटो आगे से। रुको, यानी सब कुछ झूठ था। शिवानी तुम क्या बात लेकर आ गए सुबह सुबह, मेरी आंखों में देखो और कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहा था तुमसे कि मुझे प्रपोज करो, तुम क्यों मेरे साथ खेल रहे हो? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? अरे तुमने ये भी नहीं सोचा मुझे हकीकत पता चल जाएगी तो क्या होगा? कुछ तो कहो केनान, मैं पागल हो जाऊंगी, कुछ तो बोलो। तुम तो मेरे बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते थे। कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गया वो प्यार, क्या सब झूठ था, क्या सबका सब झूठ? क्या हुआ, किस बात का शोर हो रहा है ये? मुझे डर था कि तुम अपने घर वालों की वजह से मुझे छोड़ दोगे। मुझे खो देने का डर था तुम्हें। तुम कौन हो? लाना तो तुम्हारी शक्ल पर। शिमाल। और हाँ अपनी ये घटिया अंगूठी अपने पास रखो। अरे ये लो। शिमाल चुप, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। शिवान प्लीज 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 ऐसी बात नहीं करो शिवान, मैं तुम्हें बहुत जल्दी तलाक भी दे दूंगा। शिवान,
मैं तलाक नहीं लूंगी शिवान, मैं कभी तलाक नहीं लूंगी। सुनो सुनो, इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, ये तुम्हें एक दिन धोखा देगा। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सबके सब मर्द झूठे होते, बेवकूफ बनाते हैं और छोड़ जाते हैं। देखो बेचारी पागल है शायद। देखो मैं पागल नहीं हूँ, इसके धोखे में नहीं आना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें आने वाले बुरे वक्त से रोकना चाहती हूँ, समझ रही हो ना। देख लेना, पछताओगी एक दिन, फिर याद करना मेरी बात। पागल, ये सब पागल हो गए। उस बेवफा के लिए क्यों रो रही हूँ मैं, उसने तो मुझे पागल बनाया है। बेवकूफ हो तुम, बिल्कुल बेवकूफ हो तुम यार। शिवान साहेब, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे ना, एक मामूली सी लड़की से उल्लू बन गए। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो शिमान, गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है, मैं कैसे बेवकूफ बन सकती हूँ, मैं कैसे बेवकूफ बन गई। बस हो गया यार, इसका मतलब हुआ कि दुनिया की तमाम लड़कियाँ ऐसी होती है बेवफा। मुझे इतना पागल कर दिया कि मैं अपनी खानदानी अंगूठी जाकर उसको दे आया, वो तुम्हारे मुंह पे झूठ बोलती रही और तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए तुम। अरे ये बेवकूफ कहाँ जा रहा है, हे हे पागल हो गए हो। हेलो, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकूंगा। पागल हो गए हो। कुआं, अल्लाह मैं तो मरते मरते बची हूँ। मेरे घरवाले, मेरे तो घरवाले आने वाले थे। ये क्या है, शिमाल अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, अब क्या यहाँ भी मुझ पर छापा मारने आ गई हो, समझा करो यहाँ मेरी इज्जत है। तुमसे मैंने कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अरे मुझे छोड़ो, तुम्हारा मसला क्या है, देखो तुम्हें मैंने फोन पर सब कुछ बता दिया था, तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आया और अब तुम बेशर्मों की तरह यहाँ भी आ गई हो। शिमाल हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से अब तुम्हें इसे कबूल कर लेना चाहिए। तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कैनान, दुनिया तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती, तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो मैं यहाँ पर अपने मंगेतर के साथ आई हूँ। मंगेतर? कौन मंगेतर? शिवान के मंगेतर? अपना शिवान। एक बात बताएं, आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, क्योंकि उसने तो आपके बारे में हमें कभी भी नहीं बताया। ओकान, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। ठीक है बाबा जान, तुम्हारा नाम क्या है? शिमाल। नहीं ये लड़की वो नहीं है, सुबह कॉल करने वाली मिराल थी, ये दो घंटे में कैसे कर सकता है, अजीब आदमी है। हमें सच सच बता दें डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। आप परेशान मत हो, इनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है और बाकी के सारे असरात जब मरीज को होश आएगा तभी पता चलेंगे। हाय मेरा प्यारा बेटा, हाय क्या हो, क्या गया है मेरे शिवान को? क्या हो गया हमारे शिवान को डॉक्टर साहब? बाकी के सारे सवालात आप उनकी मंगेतर से भी तो पूछ सकते हैं। हम दोनों कुएं में गिर गए थे। कुएं में? कुएं में? कुए में?
मेरी बेटी कहाँ है बताओ? शिमाल, शिमाल नाम है पेशेंट का। कुएं में गिर गए थे हम दोनों। होश में आ रहा है शिवान। अब तो तू गई शिमाल। शिवान मेरे बेटे, हमारी आवाज आ रही है तुम्हें क्या? शिवान आके खोलो, देखो तुम्हारी मंगेतर भी यहाँ खड़ी है। हाय, मैं अपने बेटे पे कुर्बान जाऊँ, मैं वारी जाऊँ, मेरे बेटे को होश आ गया, मैं कुर्बान जाऊँ इन आंखों पर। अम्मी, बाबा, यहाँ किसे आया मैं? कुएं में? मैं और कुएं में। हाँ बेटा, तुम कुएं में गिर गए थे शिमाल के साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। शिमाल के साथ? हाँ, शिमाल। कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी ही तो मंगेतर है ये। मेरी मंगनी कब हुई? तो तुमने मंगनी नहीं की? शिमाल बेटी, कहाँ है वो? या अल्लाह, ये क्या हुआ? कहीं वो मर तो नहीं गई बाबा? चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं बाबा, दादाजी के इंतकाल पे भी ऐसे ही बिस्तर खाली था। अरे तुम तो चुप हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो, कहीं और होगी वो। अरे शिमाल, यही तो है शिमाल, उसने शिमाल कहा, शिमाल वहीं पर है। बेटा, तुम कहना चाह रहे हो कि ये कहानियां बना रही है क्या? कह रही है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। मंगनी? बाबा, कौन है मेरी मंगेतर? ये तो मंगेतर कह रहा है। ये भी मंगेतर की बात कर रहा है, कौन है मेरी मंगेतर? शिमाल, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, इसने ये सब तुम्हें पहले बताया था क्या? इससे तो तुमने इससे मंगनी की है। आपको क्या लगता है बाबा, कहीं इसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई? खाली देख रहे हैं अभी। एक्सक्यूज मी बस, ने ये कौन है? बेटा, आपने मंगनी की है ना, उनके बाबा को नहीं जानते क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है बाबा। आपकी कंपनी का सुनकर इसने ये प्लान बनाया है। तुम तो सुबह किसी मिराल नाम की लड़की का फोन अटेंड करके निकले थे, हैं? कान, बेटा पहले ही माहौल उलझा हुआ है, तुम खामोश रहो। मिराल कौन है? हाय अल्लाह, मुझे लगता है इसके दिमाग का स्क्रू हिल गया है। डॉक्टर साहब, क्या ये पागल हो गया है? अब परेशान मत हो, सर पर चोट लगने से हो सकता है इनकी याददाश्त में फर्क पड़ गया हो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिवान साहब, क्या आप हमें ये बता सकते हैं आखिरी बात आपको क्या याद है? मसलन सुबह आपने क्या किया था, वो बता सकते हैं आप? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। मैं सुबह एक्सपो के लिए निकला था और मैंने अपने आप को यहाँ पाया, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? एक्सपो? ओ, वो तो एक महीने पहले था। बिल्कुल, एक महीने पहले था वो तो। नहीं, देखें बाबा, मैं शिमाल नाम की किसी लड़की को नहीं जानता, कैसे समझाऊं आपको? बेटा, अगर तुम उस लड़की को नहीं जानते तो हमारी खानदानी अंगूठी उसकी उंगली में क्या कर रही है? ये बात समझाओ मुझे। हाय, मेरा तो सर फटने लग गया। हाय अल्लाह, मुझे मर जाना चाहिए, काश मैं ये दिन देखने से पहले मर गई होती। मैंने तुम्हें इसलिए वो अंगूठी दी थी कि तुम वो किसी अनजान लड़की को पहना दो। या मेरे अल्लाह, मेरा तो सर ही फटा जा रहा है। अरे बेगम, जरा चुप तो हो जाओ, तुम अपना शोर शराबा बाद में कर लेना, पहले हम देख तो ले आखिर मसला क्या है। अरे बेटा, तुम बताओ, क्या तुम उस लड़की के साथ कुएं में नहीं गिरे थे? हमारी खानदानी अंगूठी तुमने उस लड़की को नहीं पहनाई थी क्या? आहा, देखो, सारे इशारे उसी बात की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इसका मतलब मेरी मंगनी हो चुकी है। ये क्या है? क्या मामला है ये? शिमाल यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ कहती है बाबा आपको किसी से मिलवाना है। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन हम यहाँ के क्या सुनते हैं? हमारी बेटी ने मंगनी कर ली। उसने मंगनी कर ली, मगर कैसे? वो भी ठीक है, मगर हमारा दामाद हमारी बेटी को ही भूल गया। ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या?
मुझे लगता है मैं इस लड़के को जरूर जानता हूँ बाबा, पर कैसे? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? ये क्या किया, ऐसे झूठ बोल दिया, वो भी ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती तुम। उसका नाम शिवान है। देखो कैसी अजीब सी बात है ना, उस वक्त मैं क्या करती, मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। मेरे सामने मेरा पुराना मंगेतर खड़ा था और उसी वक्त मैंने उसे ये सब बोल दिया। वो आदमी कौन है, क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारे अब्बू ने पूछ लिया तो तुम क्या करोगी? अगर उन्होंने कहा कि तारुफ करवाओ तो क्या कहोगी? मैं क्या करूं एशली, तुम बताओ ना। देखो मैं गुस्से में झूठ बोलती ही चली गई। शिमाल, चाय कौन लेकर आएगा यहाँ? अरे यार हम तो भूल ही गए, चलो चलो। कैसे, अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है इस बात का? लड़की का एड्रेस ही नहीं पता तुम्हें, क्या मतलब है इस बात का? बाबा जान मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझे ना, गड्ढे में गिर गया था, मुझे क्या पता होगा। देखो सोचो, कुछ सोचने की कोशिश करो, क्या पता कुछ याद आ जाए। बाबा जान मेरे दिमाग में एक शक है, अभी सब समझ में आ जाएगा। तुमने पिछले हफ्ते के दिन क्या किया था, क्या तुम्हें पिछले हफ्ते के दिन की कोई बात याद है? अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था? पिछले हफ्ते मैंने तुम्हारी गाड़ी जो ठोकी थी। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मेरी गाड़ी तुमने ठोक दी कहीं, तबाह हो गई। ये क्या कह रहे? बाबा जान इसका दिमाग अपनी जगह से पूरी तरह हिल चुका है, इसकी तो याददाश्त चली गई है बाबा, सब मसले हल हो गए, ये बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। खिसक गया है ये, तो बस यही होना बाकी था, ये लड़की वालों के सामने भी शर्मिंदा ना करे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, वो लोग लड़की वाले कब से हो गए? देखो वो लोग हॉस्पिटल में अफरा तफरी में घर चले गए, अब हमें उनके घर जाना होगा और बातचीत करनी होगी। बेटा तुम्हें उसका टेलीफोन नंबर तो याद होगा ना? नहीं, वो मोबाइल टूट गया ना। यानी कुछ भी नहीं कर सकता ये लड़का, कुछ भी नहीं, इसकी यानी इसकी याददाश्त चली गई है, ये कहने वाला था मैं। अब हम क्या करें, हमें कोई बताएगा भी? इससे ज्यादा क्या आसानी है बाबा जान, हॉस्पिटल जाते हैं और पूछ लेते हैं, रिकॉर्ड तो होता ही है वहाँ सबका। खान, क्या हुआ बाबा, मैंने कुछ गलत बात कर दी क्या? आओ 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 जरा मेरे पास आओ। बाबा जान, मेरे बेटे तुमने मुझे आज ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। चलो चलो चलो, सब तैयारी करो, सब चलते हैं, चलो चलो। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ, कोई जाएगा तो मेरी लाश पर से गुजर के जाएगा। अब तुम्हारा क्या ड्रामा शुरू हो गया? मैं मर जाऊंगी लेकिन इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। देखो ये तो सब कुछ भूल ही गया है, और हम भी तो इस बात को भूल सकते हैं। हम उनको जाकर ये सब भी तो कह सकते हैं, हाँ कि हमारा बच्चा सब कुछ भूल गया है, बस जल्दी से खत्म करते हैं इस मामले को। लाहौल वल्ला, हाय मेरी जुबान, मैंने क्या बोल दिया है जल्दबाजी में। चलो चलो गाड़ी निकालो। तुम ऐसा मत करो, मत करो, मत करो, अब तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं पर रहो, बंद कर दो इस टॉपिक को यहीं। या अल्लाह, मैं जब भी इसे जहन से निकालना चाहता हूं ये निकलता ही नहीं है, भूला नहीं जाता। लेकिन मैंने इसे कहीं देखा जरूर है। बाबा जान मैं आपके लिए फ्रेश चाय लेके आती हूँ। अरे शिमाल तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ठीक हूँ आपी, एशली चलो मेरी मदद करो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इस लड़की का दिमाग कहीं और है बाबा, देख लें, नजर रखें आप। मुझे तो कोई आशिकी माशुकी का चक्कर लगता है बाबा। एशली ये देखो कौन है। कौन? ये वही लड़का है। क्या कह रही हो तुम? तुमने अब शिवान से मंगनी की है यानी? अ
अरे यार बाबा सुन लेंगे। ये देखो बाबा जान, यही जगह है, पक्की बात है ना? बाबा एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है। अंकल अंकल, इस गाड़ी का बाजा बजता है। बेटा अभी जाओ, हमारे खुद के बाजे बजे हुए हैं। कहाँ आ गए हम? मेरी दोस्त, ये लड़का तो बहुत मशहूर आदमी है और शहर के रईसों में आता है। इसका नाम, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, ये पता भी है कुछ तुम्हें? हमारे सब ख्वाब सच होने वाले हैं। क्या फायदा है हमें इससे? क्या मतलब है कि हमें क्या फायदा है? लड़की तुम उस घर में दुल्हन बन के जा रही हो, दुल्हन बन के। किसी को बुलाया था क्या? नहीं। खुशामदीद। खुशामदीद। हम माजरा चाहते हैं कि बिना बताए आप लोगों के घर आ गए, लेकिन क्या करें, हमारा आना भी तो जरूरी था। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अंदर आइए। देखा शिवान, अब तुम्हारे घर चलकर आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। एक बात मेरे अभी भी समझ नहीं आ रही, इस लड़की ने सुबह मुझसे लड़ाई की थी या नहीं? की तो थी, तो फिर ये मंगेतर कहां से आ गया? डॉक्टर, इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? अजीब है, अजीब है यार। फजूल में मैं ये सब कुछ सोच रहा हूं, मुझे इससे क्या, भाड़ में जाए। और अब मुझे इससे क्या सरोकार है, उसकी जिंदगी है, जो चाहे कर सकती है। चलो बेटा उठ जाओ, अब तुम ठीक हो, घर जाओ अपने। इन लोगों को घर कहां से मिल गया हमारा? ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि इनके लिए घर ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा मुझे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे। रुको, एक हल है मेरे पास इसका, मैं जाकर सबको सच बता देती हूँ। नहीं 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 शिमाल, तुम क्या कर रही हो? ये पकड़ो इसे, इजी हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस मुझ पर एतबार रखो। जहाँ तुम फंसने लगो तो बॉल मेरी तरफ फेंक देना, ठीक है ना? वैसे भी इस लड़के का हाफजा कम काम कर रहा है, याद नहीं तुम्हें? और बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है, समझ गई ना मेरी जान? बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। क्या होना था, सब खत्म हो गया। अब शिवान साहब को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या मैं इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होने दूंगी? मैंने इतने साल ऐसे ही सब्र नहीं किया। तो फिर किस चीज का इंतजार है? आखिरकार सच्चाई पता चल गई ना उसे। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुम किसी की बात कहाँ सुनती हो? मुझे बताओ कि क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? शिवान को खोने लगी थी मैं अपनी आंखों के सामने। शिवान मेरा शौहर है, हमारा निकाह हुआ है, मेरे हाथ में इतना बड़ा सबूत है यार। उसने कह दिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं होता खत्म। ठीक है, मैं भी ये नहीं कह रही कि सब खत्म हो जाए, पर अब तुम क्या करोगी? तुम जैसी बातें कर रही हो, यकीनन तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा। जरा माहौल को ठीक हो जाने दो, शिवान साहब को भी पुरसुकून हो जाने दो, फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है। अरे जनाब,
हम तो बस आपकी ज़ियारत करने के लिए यहाँ आए हैं। पता है कि हॉस्पिटल में बात नहीं हो सकी, अब हमारे बेटे की हालत ही देख लें, उसे तो कुछ भी याद नहीं अभी। यानी ये सब हमारे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज जैसा है। दरअसल ये मामला हमारे लिए भी अचानक ही हुआ, यानी हम भी बहुत हैरान थे। आप जरा बताएंगे ये हुआ कैसे? शिमाल बेटा तुम ही बताओ ये सब क्या मामला है। बाबा जान हुआ ये के हम लोगों ने बस मंगनी कर ली पहली मुलाकात में ही। वो कहते हैं ना कि पहली मुलाकात में ही मोहब्बत हो गई, फौरन से ही आशिक हो गए ये दोनों। बस फिर क्या था, शिवान साहब ने प्रपोज कर दिया। मैंने प्रपोज किया था तुम्हें? ये सब कुछ अचानक हुआ होगा ना। इस दुनिया में तो सच्चा प्यार अचानक ही हो जाता है, है ना? क्या आप बता सकती है कि इसने शादी के लिए कब प्रपोज किया था आपको? आज सुबह। हाँ। यानी आज सुबह तुम्हें शिवान ने प्रपोज किया? चलाक इंसान, बाबा ने जैसे ही कंपनी नाम करवाने की बात की तो तुमने फौरन शादी की तैयारी कर ली। ऐसी बात है क्या बाबा? जो पहले शादी करेगा क्या आप कंपनी उसको देंगे? ये कोई वक्त नहीं है ऐसी बातों का। मेरी बहन के साथ ये सब कब से चल रहा है भाई? मेरा मतलब है कब से जानते हो? हम कब से जानते हैं? वो एक महीना हुआ है ना। याददाश्त तो देखो जरा, अभी ही मिले हैं और अभी से ही भूलना शुरू कर दिया। आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? एग्जीबिशन में मिले थे। हम सेरेमिक ग्रेजुएट है ना। ओह अच्छा, वाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, मेरी बेटी की तो स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आती थी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तहसीन साहब आप भी तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप लोग क्या करते हैं? हाँ ना, आपका बेटा क्या है, क्या काम करता है, वो कितना कमाता है और कौन सा खानदान है आपका, ये जरूरी है ना बाबा? हाँ जरूरी है। अब आप भी थोड़ा बताएं अपने बारे में, हम सुनते हैं आपकी बात। क्या तुम हम लोगों को नहीं जानते? नहीं। क्या आप लोग फिल्मों में काम करते हैं? नहीं। ओ तहसीन, मैंने तुम्हें कहा था ना तहसीन, देखो तो जरा उस लड़की के घर चले गए हैं। मैं एक अनजान लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकती हूँ? हाँ मेरा शौहर पागल हो गया है। हाय तहसीन हाय, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? और तुम लोगों ने हाय मेरे सामने क्या लाके रख दिया खाने के लिए? लेके जाओ इसको यहाँ से और कोई ढंग की चीज लेकर आओ। शाजिया जाओ मेरे लिए कुछ और पका कर लाओ, मेरा ब्लड प्रेशर हाय गिरता जा रहा है, जल्दी करो। लेकिन मैं क्या तो ठीक रही हूँ ना मरियम, मैं अंतिम की एक लड़की चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे सारे ख्वाब चकना चूर करके रख दिए। वो अर्थविन की लड़की ले आया, तहसीन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये लोग तो मुझे मार ही देंगे, ये बाप बेटे मुझे मार ही डालेंगे। देखो मेरी एक बात सुनो, तुम जाओ जाकर देखो, हो सकता है लड़की अच्छी हो। ऐसा दोबारा कहना भी मत मरियम, अर्थविन की लड़की है वो, अर्थविन की, मालूम नहीं है तुम्हें? नहीं मुझे मार भी दे तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे अंतिप की दुल्हन से ही शादी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंतिप की। अंतिप से कोई लड़की यहाँ मिलने आई है? अंतिप से आई हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। मैं अपने ओकान से मिलने आई हूँ। ओकान से? तुम्हें क्या काम है ओकान से? शादी करनी है हम दोनों ने। अरे तहसीन साहब, इन बच्चों ने आपस में शादी करने का वादा ही तो किया है,
इतनी आसानी से शादियां थोड़ी हो जाती हैं, है ना? हर काम का एक तरीका होता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ही सही कही है। मैंने कभी गलत कहा है क्या? देखिए जनाब, हम तो रस्म और रिवाज पे चलने वाली एक छोटी सी फैमिली हैं। फिल वक्त तो हम सिर्फ आप लोगों की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। हाँ, हम तो ठीक ही हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिलने वाले हैं। यानी शादी की बात करने के लिए हमें दोबारा आना ही तो है, अगर नसीब हुआ तो। तुम मेरे ओकान के साथ शादी करोगी? हाँ, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। मेरा बेबी। अल्लाह, ता क्या हो गया? अरे संभालो अपने आप को। ये लड़के दोनों मुझे मार देंगे ये लड़के दोनों मुझे। तुम बैठो बैठो। जब तक ये लोग मेरे ऊपर मिट्टी नहीं डाल के आ जाएंगे, जब तक इन लोगों को चैन नहीं मिलेगा। आराम से। हाथ दिखाओ अपना, जल्दी करो। डालो मेरे हाथ पे और डालो। अरे तुमने तो कहा था मुझे अंतिम के दुल्हन चाहिए। मेरे औकान नजर नहीं आ रहे, वो मंगेतर से मिलने गए हैं। मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, फिर कौन सी मंगेतर? देखो, मैं सब बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। नहीं लड़की, उसके भाई की मंगेतर। वो अपने भाई की मंगेतर से मिलने गया हुआ है। तुम गुस्सा मत करो, यहाँ पर बैठ जाओ सकून से। मेरा औकान ऐसे नहीं है, मैं जानती थी पहले से। तुम अंदर क्या कह रहे थे? ये कंपनी का क्या चक्कर है? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे अंदर, बताओ मुझे। ये सब जो ड्रामा कर रहे हो, तुम बाबा की कंपनी की शर्त की वजह से कर रहे हो ना? अब ये ना कहना कि ये बात तुम्हें याद नहीं है। इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो सुबह सुबह तुमने मासूम लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, और जैसे हमें पता ही नहीं तुम्हारी हरकतों के बारे में, इस लड़की के साथ भी गेम खेल रहे हो। बेचारी, क्या पता क्या क्या ख्वाब हो उस लड़की के। थू, देखो जरा इसकी बदकिस्मती, उस बेचारे को कुछ भी याद नहीं है और हम लोग उसके साथ खेल खेल रहे हैं। यार, सभी कुछ तो है इसके पास, बड़ी किस्मत वाली को मिलेगा ये। देखो तो जरा, अमीर के साथ हैंडसम कितना है ये। क्या मैंने तुम्हें इस कंपनी को पाने के लिए ढूंढा है? क्या एक झूठ की वजह से ये रिश्ता बन सकता है? मैंने ये जहेज फालतू में नहीं बनाया है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आई है? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखो बेटा, बड़ों की बात मानते हैं, तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? बाहर तक आवाजें आ रही हैं। किसने घर को सर पे उठाया हुआ है? औकान, मेरी मोहब्बत। अब ये कौन है? कौन हो तुम? तुमने मुझे बुलाया और मैं भागी चली आई। अरे कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या चल रहा है? ये मत पूछो, हमारे सर पे कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं। अब ये लड़की औकान के लिए अंतिम से अपना घर छोड़कर आ गई है। विल्दान? हाँ मैं ही हूँ, अपना घर छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। पानी दो, पानी दो। औकान, औकान।
ओकान, इसे क्या हुआ? ओकान, पानी लेकर आओ। संभाल के। ओकान, आगे बोलो मेरे। हाथ पर डालो जल्दी से। हाय, इससे भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। देखो मुझे देखते ही कैसे बेहोश हो गया। हाय, पागल हो गया बिल्कुल। हाय। यार तुम अभी इसी से मैनेज करो, बाद में हम नया ले आएंगे। ठीक है, देखो अब शिमाल का कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल बाकी नहीं रहा। अब शिवान और ना ही केनान कोई भी तुमसे राबता नहीं कर पाएगा। ऐसी लड़की जिसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, सुनने में कितना कूल लगता है ना। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा ना। अरे यार तुम पुरसुकून रहो, हर चीज गुजर जाती है। हर चीज गुजर जाती है, तुम्हें अंदाजा भी है? हम हर किसी से छूट पर झूठ बोले जा रहे हैं। एक अनजान शख्स को देखो, मुझे अपना मंगेतर समझे जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बहुत हो गया। ठीक है फिर, जाओ अपने बाबा से जाके बात कर लो, कह दो कि सब झूठ था, कहो मुझे माफ कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं छत पर जाकर छलांग लगा दूँ, इससे बेहतर यही है। तो फिर अब सिर्फ एक ही काम रह जाता है, तुम्हारे बाबा जब तक अर्थविन नहीं जाते तो तुम इंतजार करोगी और बाद में कह दोगी कि नहीं हो सका। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जिस लड़की की याददाश्त चली गई है मैं उससे शादी कर लेती। एश्ली की बच्ची। क्या मतलब लड़की को नहीं जानता हूँ मैं? बाबा जान, मैं नहीं जानता उसे। या अल्लाह, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। एक भाई लड़की से मंगनी कर लेता है और उसे भूल जाता है, और दूसरा अंतिम से लड़की को बुला लेता है और भूल जाता है। अगर तुम उस लड़की को जानते नहीं हो तो फिर वो यहाँ पर आकर क्या कर रही है? बाबा जान, ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। मैंने शिवान को सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया था। हाँ, अगर लड़की खूबसूरत होगी तो तुम उसे पहचानोगे। मैं तुम्हारा क्या करूं? या मेरे अल्लाह, और उस लड़की का बाप मेरे बचपन का दोस्त निकला। इन दोनों ने मेरी इज्जत मट्टी में मिलाकर रख दी है। हाय मेरा बाबा जान, आप ठीक तो है ना बाबा? मुझे बाबा मत कहो, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। मरीज बना दिया मुझे, मेरी बीवी को भी मरीज बना दिया। आपने देखा था ना कि ओकान मुझे देख के कैसे हैरान हो गया था, है ना? वैसे इतना तो मैं जानती हूँ कि बाबा जब ये सूरत हाल देखेंगे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे, ना जाने फिर क्या होगा। हाँ भाई, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, तुम भी इधर बैठो आकर। देखो बेटा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। तुम ऐसे ही उठ के आ गई हो बेटी, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। नहीं हो रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैं पप्पो के पास हूँ। अच्छा, वो लोग अंतिम में नहीं रह रहे क्या? जी हाँ, हमारे घर आमने सामने ही तो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आए? आप फिक्र ना करें, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह। अरे तहसीन, इस लड़की के बाबा को फोन करो और कहो कि इसको लेकर जाएं। फोन तो कर दूं लेकिन कहूंगा क्या? देखो बेटी, तुमने ओकान को कुछ गलत समझ लिया है। शादी की बातें ये इस तरह टेलीफोन पे नहीं की जाती कि तुम उठकर यहाँ पर चली आईं। देखो बेटा, तुम कम से कम अपने बाबा का तो ख्याल करो, वो लोग तुम्हारे लिए परेशान होंगे यकीनन। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकती तहसीन बाबा, उन्हें पता चला तो वो मुझे मार देंगे। क्या ये मुझे बाबा कह रही है? कल सुबह होते ही तुम अपने शहर जा रही हो। मगर गेस्ट रूम तैयार कर दो इनके लिए, वहीं सोएगी और क्या करे। परेशान कर दिया इन लोगों ने मुझे, परेशान कर दिया। हमारी एक भी तस्वीर नहीं है, इस लड़की का कोई अकाउंट ही नहीं तो तस्वीर कहां से आएगी? ये लड़की तो मेरे टाइप की है ही नहीं, कैसा हो सकता है? क्या वाकई कंपनी हासिल करने के लिए मैंने इस लड़की को ढूंढा? क्या वाकई ऐसा है? नहीं यार, या अल्लाह, नाजली, अरे नाजली का क्या हुआ? अलग हो गए होंगे हम, तो क्या हुआ? क्या हम वाकई में अलग हो गए? लेवेंट, तहसीन, 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 ओए, ओए,
क्या हो गया? देखो, मुझे इस टाइप की कोई लड़की इस घर में नहीं चाहिए। तुम्हें क्या मुसीबत है इस टाइम? तुम नहीं जानते क्या? चलो यार, छोड़ो भी, अब जो हुआ सो हुआ। यानी इस बात को 20 साल हो गए, अब भूल जाओ इन बातों को और छोड़ो। अरे यासीन, तुम समझो, इस मसले की वजह से मैं कई सालों से अपनी बहन तक से नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह, अब तुम्हारी बहन का अर्थविंद से क्या लेना देना आ गया? दूसरा कोई शहर भी तो हो सकता था। तुम जो भी कहो, मुझे शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो कान क्या कह रहा था? तो फिर ये बताओ कि शिवान के ससुरालियों की इतनी इज्जत क्यों की जा रही है? देखो, ये दो अलग अलग बातें हैं। ओकान ने कंपनी पाने के लिए लड़की ऐसे ऑर्डर कर ली जैसे हम पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाते हैं। और तुम्हारा वाला सुबह गया और शाम को एक लड़की ढूंढ के ले आया। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि एक दूसरे को देख लेते, पसंद तो कर लेते दोनों। और ऊपर से मैंने लड़की की बात क्यों कही पता है? वो इसलिए ताकि शिवान कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। अब देखो, उस लड़की ने मेरे लिए कोई अच्छा काम तो किया। कितनी अच्छी लड़की है, जरा भी गुरूर नहीं है उसमें। यानी हमारे शिवान ने हमारे लिए कुछ किया। मैंने पता किया, वो लड़की बहुत अच्छे खानदान से है। देखो बेगम, इससे पहले कि वो लड़की हमारे हाथ से निकल जाए, हमें फौरन उसे बहू बना लेना चाहिए। उसके बाद मैं देख लूंगा कौन क्या करता है। क्या क्या तुम मेरी यहाँ होने से तंग हो? बताओ, तंग हो क्या तहसीन? देखो बेगम, तुम कल की बस तैयारी करो, हमें अपने बेटे की ससुराल जाना है कल, बस। अरे कौन से ससुराली, कहाँ के ससुराली? एशली जी, मेरी जान, वो कहनान तुम्हारे ख्याल में मुझे पहले से धोखा दे रहा था। यार ऐसे मत करो तुम। देखो, इन बातों को सोचकर तुम अपने आप को और ज्यादा तकलीफ दे रही हो। मुझे पता है, लेकिन एशली, मैं खुद को इस वक्त बेवकूफ महसूस कर रही हूं। उठो लड़के, खुद ही सो गए या हमें भी सोने दोगे? उधरो। इसके खराटे तो मच्छर से भी ज्यादा तंग कर रहे हैं। मुझे इतनी तकलीफ देना तो दूर, मैं तो ये सोचती थी कि वो मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं आने देगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैं तो समझती थी कि वो मुझे फूलों की तरह रखेगा, लेकिन उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। बेईमान, बेईमान, मुझे तो इंसान ही नहीं लगता वो। दिल तो कर रहा है कि उसके घर जाकर उसको मजा चखाऊं मैं। सबसे मुश्किल क्या है पता है? बाबा को पता ना चल जाए, इसलिए मुझे इस तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसी वजह से वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? कभी कभी दिल करता है कि मैं अपने बाबा के गले लगकर जी भर के रो लूं एक बार, लेकिन कहीं वो परेशान ना हो जाए, इसलिए खुद को रोका हुआ है मैंने। मतलब ये लड़की इस वजह से इतनी दुखी है? वाह लड़के, वाह, बहुत जबरदस्त। तुम मेरी बेटी को परेशान करो और मैं कुछ ना करूं, भूल है तुम्हारी।
देखो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही बनाना मरियम, थोड़ा सा आटा इसमें और डालेंगे ताकि ये खराब ना हो जाए, ठीक है? अगर इसमें कम आटा डालो तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। या मेरे खुदा, क्या मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? कहीं मैं अभी तक सो तो नहीं रही? जैसे ये तैयार हो जाए इसे फौरन ओवन में बेक कर लेना ताकि ये जल्दी बन जाए। अरे क्या कुछ मीठे में भी बनाया है तुमने? हाय अम्मी जान, आप मेरे शोर की वजह से जल्दी उठ गई, माजरत बहुत बहुत। नहीं मैं तो हमेशा इसी टाइम जागती हूँ। फिर ठीक है। जरा मैं ये चक्के तो देखूं कैसा है। आपको पसंद आया क्या आपकी होने वाली बहू के हाथ का खाना? अल्लाह, इस लड़की के हाथ का जायका तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आज तो मेरी बेगम ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तुम्हारे अलावा ऐसी टेबल कौन सजा सकता है बेगम? बाबा जान, विल्दान बेटी ने बनाया है ये सब, कितना अच्छा लग रहा है ना सब। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो, बैठो यहाँ आके। बैठो ना। मैं आपको चाय डाल के देती हूँ बाबा जान। अम्मी जान आप भी लीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ हाँ। अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, आप ही लेना ये। हाँ हाँ मुझे दो ना ये। मैं भी आई। वाह वाह वाह। अरे मेरी जान बहुत शुक्रिया। बेटा जरा ये उठा कर देना। हाँ ये ले। दही वाली मिर्ची तो मुझे बहुत ही पसंद है। लो तहसीन तुम भी लो। लाओ भाई। मजे की है। ये लो बेटा, ये खाओ। ये प्लेट स्पेशली आपके लिए बनाई है। ताकि आपकी सेहत सलामत रहे। शिवान, मुझे लग रहा है इस लड़की ने जादू करके फूंका है। तो ये जादू है। अक्सर लड़कियां अपने आशिक को फंसाने के लिए ऐसे ही जादू करती हैं। ऐसी बातें मत करो, खाना खाओ यार। बहुत मजेदार है। अरे वाह बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बाबा जान। चाय तो डालो। डालो लड़की डालो। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी प्यारी टेबल सजाई है इस लड़की ने। काश कि हम विल्दान को पहले ही ले आते। कहवे में क्या खुशबू आ रही है। मेरी एक बात सुनो, तुम इस लड़की को जाने मत देना, बहुत ही अच्छी है। हर चीज मुकम्मल हो गई। चलो 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 भाई, जल्दी खाओ। इतना शहद। अरे इस शहद को तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा शिमाल जी, आप ही? तुमने अपने महबूब का नाम मुझे केनान नहीं बताया था। मैंने उस वक्त इसलिए नहीं कहा क्योंकि बाबा साथ थे। केनान ही तो कहा था। अरे बाजी आप गलत समझ रही हैं, केनान शिवान दोनों नाम आपस में मिलते जुलते हैं ना। वैसे लड़का बड़ा हैंडसम है, पर तुम्हारी सास बड़ी टेढ़ी है। पहले ही बता रही हूँ तुम्हें, ये मत सोचना कि मैंने नहीं देखा। हमारी तो खैरियत भी पूछने नहीं आई वो। मेरी बात सुनो, उन्होंने तुम्हें पसंद किया भी है या नहीं शिमाल? अरे नहीं यार, अगर पसंद नहीं होती तो खाने पे थोड़ी बुला लेते। हाँ ये तो है, ये तो है। देखो शिमाल, अपने मंगेतर के साथ घूमने फिरने में वक्त का बड़ा ध्यान रखना। अगर तुम लेट हुई तो बाबा नाराज हो जाएंगे तुम्हारे। बाबा और भाई को मुझसे क्या काम है? मुझे क्या पता। अब बताता हूँ, अब आओ तो तुम मेरे पास जरा। शिवान
शिमाल को परेशान करने की सजा क्या होती है अब बताऊंगा तुम्हें। बेगम शाम के लिए जरा अच्छी सी तैयारी करके रखना, शाम को उनको अच्छी तरह से जान लेंगे। अभी क्या जरूरत है तहसीन साहब, सुबह सुबह सबके मुंह का जायका खराब कर रहे हो। इस टाइम क्यों बात कर रही हो, हमने रात को बात करी तो थी। अगर वो शाम में आ गए तो क्या हुआ, हम उनको अच्छी तरह जान लेंगे। क्या होगा बाबा जान, अगर एक दूसरे को हम करीब से जान लेंगे तो तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे और क्या होगा। गई मेरी कंपनी। बेटी तुम्हारे हाथ सलामत रहें। शुक्रिया बाबा जान आपका। उकान। जी हाँ बाबा जान। तुम विल्दान को आज एयरपोर्ट लेके जाओगे और उसके बाद तुम कंपनी जाओगे, ठीक है? शिवान। जी बाबा जान। तुम आज सारा दिन अपनी मंगेतर के साथ वक्त गुजारोगे, ठीक है? और इसी तरह घूमते फिरते शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ठीक है बाबा जान। बेटी। जी तहसीन साहब। हाँ, तुम आज ऑफिस नहीं जाना, यहीं पे रहना और इन लोगों की मदद करना। ठीक है। सबके समझ आ गई? चलो तुम्हारा दिन अच्छा हो। ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। आखिर हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मेरे बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं कुछ। हाँ ठीक है बात करते हैं, बात करने का मना कब किया मैंने? मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट में मिले थे, किसी कॉफी शॉप में मिले थे। ये क्या जगह है मिलने की? ज्यादा बातें नहीं करो, इधर आओ। अरे अंकल आप, अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं अंकल आप, सब ठीक ठाक तो है ना? यहाँ पर आओ। अंकल देखें अंकल, हम लोग इंसानों की तरह बैठ के बात कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ही खुल के बात करने वाला आदमी हूँ और आप इसको अंदर रख के भी बात कर सकते हैं। इधर आओ तुम। अंकल वो जरा 6 फुट का फासला भी तो रखना है ना। प्यार से समझ नहीं आती तुम्हें? ये क्या हो रहा है, वहां पे क्या चल रहा है? मेरा क्या है ये? टारगेट? आपके टारगेट पे मेरी तस्वीर? बड़े जल्दी पता चल गया। तुम अभी हैरान हो रहे होगे कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया। इसका जवाब देता हूँ लेकिन इससे पहले तुमसे कुछ पूछूंगा। अगर मेरी बेटी परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ, जान से मार देता हूँ मैं। मेरी बेटी को रुलाने वाला मुझे भी तंग करता है शिवान, तुम्हें पता है मैं परेशानी में क्या करता हूँ, मैं फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। कैसा लगा तुम्हें बोलो ना। निशाना बहुत अच्छा है आपका, काफी समझदार है ये, समझ जाएगा जल्दी। मेरी बेटी को परेशान किया ऐसा सुना है मैंने। आपने गलत सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ आगे करो, इसे अमानत के तौर पे अपने पास रखो ताकि तुम्हें अच्छी तरह याद रहे। आज शाम को देख लूंगा मैं, अगर मेरी बेटी उदास नजर आई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ।
अरे यार, अब तुमने क्या कर दिया? उस लड़की को परेशान कर दिया। अगर तुमने उसकी बेटी को परेशान किया तो ये बुड्ढा गोली मार देगा। अब तू गया बेटे, तेरा यहां कुछ नहीं होने वाला। अब तुझे ये गोली खानी ही पड़ेगी। फजूल में क्यों थका रही हो खुद को? हमारे पास और भी मसले हैं ठीक करने के लिए। मुझे ये बताओ, मैं उस लड़के के साथ बात क्या करूंगी? एशली, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? इस मसले को खत्म करो ना एशली। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने सारा सबक पढ़ लिया है। मेरा बहनोई क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पसंद करता है, मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। और वैसे भी उसको कुछ याद नहीं रहता, इससे अच्छी बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम्हारी बात पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। दो मुझे। हेलो। हेलो शिमाल, मेरा मतलब है कैसी हो जान? मेरा मतलब है कैसी हो मेरी जान शिमाल? अस्सलाम वालेकुम शिवान साहब। शिवान? क्या शिवान किया यार, जान वगैरह बुलाओ उसको। चुप हो ना। मैंने तुम्हें एक काम के लिए फोन किया था जरूरी। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था तो सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं कि तुम रेडी हो जाओ। हाँ रेडी हूँ मैं तो, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ही आ जाती। तकलीफ कैसी? कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। आ रहा है वो यार। देखो हमने क्या याद किया था। क्या था? उस लड़के को यकीन दिलाना है कि वो तुमसे ही मोहब्बत करता है, उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया था। तुम दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए और अब हम उस मकसद का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अभी बताती हूँ। मैंने अपने बहनोई पर काफी हद तक तहकीक की है। अगर तुम भी उन्हें पसंद करोगी तो उन्हें कोई शक नहीं होगा। पहले खाने से शुरू करते हैं हम लोग। बहनोई अंतिप से है लेकिन उसे ओयस्टर खाने में बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ओयस्टर क्या होता है। ये एक बहुत ही लजीज और मजेदार चीज है। तुम मेरा यकीन करो मेरी जान। बहुत हैरान हूँ मैं। क्यों? मतलब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि तुमने वही खाना ऑर्डर किया जो मैं खाता हूँ। हम तो हमेशा यही खाते हैं। अच्छा, अगर मेरी बेटी परेशान हो तो मैं भी परेशान हूँ, जान से मार देता हूँ मैं। इसका मूड क्यों खराब हो गया? क्या ये मुझसे ये नहीं कहना चाह रहा था? मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे साथ मेरी बहुत अच्छी यादें होंगी, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। सुकून से रहो शिमाल, सुकून से रहो, इसे पता नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहे हो शिवान? इसके बाप का सोचो, बहुत ही खतरनाक बुड्ढा है वो। लड़की का खुश रहना लाजमी है। अब देखो ना, हम दोनों को एक ही तरह का खाना पसंद है। हाँ बिल्कुल। अच्छा है। मेरे ख्याल से ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना? बहुत अच्छा है। मैं जानता था। ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। देखो तुम ठीक तो हो ना? मैंने कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया ना मैंने? नहीं, क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ। नहीं सच बताओ ना। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात हुई ना, लो खाना भी आ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जबरदस्त लग रहा है ये। क्या जबरदस्त स्मेल है इसकी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं तो फिर चलो ना, शुरू करते हैं। अब मैं जरा एक मिनट में आती हूँ, ठीक है? बस फौरन आ रही हूँ। इसको क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये उठ के क्यों चली गई यहाँ से? नाराज हो गई क्या? शिवान, इस लड़की का बाप तुम्हें मार देगा, यही गोली मारेगा। ओ, क्या करूंगी मैं, ये कैसी चीजें लेकर आ गया है, मुझे तो खाना भी नहीं आता।
सच बता देती हूँ उसे जाके, मगर सच बता दूंगी तो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करूँ मैं, ये तो मुझे खाना भी नहीं आता, कैसे खाऊंगी। हाँ आइडिया, तुम ठीक तो हो ना, तबीयत तो खराब नहीं? हाँ हाँ सब ठीक है, बस मैं हाथ धोने के लिए गई थी। तो फिर ठीक है। पाकिस्तान के पकवान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ओयस्टर दरअसल कुछ इस तरह का दिखता है, खाने में बहुत लजीज होता है ये। सब कुछ खैरियत से तो है ना? मैंने कहा ना खैरियत है। अगर खैरियत नहीं हुई तो क्या होगा, खाना स्टार्ट करो ना, मेरी वजह से वेट क्यों कर रहे हो? मुझसे तो अब सबर नहीं हो रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओयस्टर को अपने हाथों में उठाइए और उस पर अच्छी तरह नींबू छिड़क लीजिए, फोक से उसे मिला लीजिए, और हसबे जायका चटनी भी मिला सकते हैं, इससे इसका जायका और मजीद निखर जाएगा। क्या हुआ, खराब है क्या? मुझे लगता है तुमने चटनी ज्यादा डाल दी। एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो। अब मुझे यहाँ कॉफी पिलाने के लिए ले आया, क्या हम इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं? यानी हम यहाँ भी साथ आते थे ना? हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है ना, इसलिए। यानी बहुत अजीब सी बात है, हमारी पसंद कितनी मिलती है? देखो हम कितने मिलते जुलते रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह पे कावा तक नहीं पिलाया। तुम्हें मैं इतने अच्छे जायके से कैसे महरूम रख सकता था? हाँ हम इस बारे में बात तो करते थे, लेकिन कभी फुर्सत ही नहीं मिली यहाँ पर आने की, इसलिए। हाँ ये तो है, बस यही बात है। तुमसे एक बात पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल। हम मिले कैसे थे बताओगी? वो एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में? हाँ वहीं पे मिले थे। देखें कल हम लोग मिले थे, बात भी की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा और वक्त गुजार लें, इस तरह हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। अच्छा किया तहसीन साहब आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती की है। ये कैसे हो सकता है, क्या क्या कर दिया उसने? और क्या करेगा, मेरी बेटी को परेशान करता है। ये तो बहुत बुरा किया। आप फिक्र ना करें, मैं शाम को उसके कान खींचूंगा, आप इत्मीनान रखें। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने संभाल लिया है। आपने सही किया होगा, जो भी किया होगा। देखो तहसीन भाई, हमारा गुस्सा असल में बहुत तेज है। मेरी बेटी बहुत ही शरीफ और मासूम सी लड़की है, अगर वो एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। बेशक बेशक। देखो मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैं ये बात लिख के भी दे सकता हूँ कि मेरी बेटी मर जाएगी मगर झूठ नहीं बोलेगी किसी से। तुम उस टाइम ग्लास के फेस्टिवल में गए हुए थे, इसलिए स्कूल के ऑडिशन में नहीं आ सके। ये कौन सा फेस्टिवल होता है? वेनिस वाला। वेनिस? हाँ। बहुत ही गलत किया मैंने। नहीं इसमें गलत क्या था, मैं ही चाहती थी कि तुम जाओ, क्योंकि एक काम भी तो जरूरी है ना, इसलिए। एक्चुअली तुमने मासरत के लिए फोन कर दिया। वो तो मेरी आदत है। हाँ। आ गया कवा। देखो हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इसके बाद दुनिया का कोई भी कावा पसंद नहीं आने वाला। शिवान साहब आपके लिए स्पेशल कावा बनवा के लाया हूँ, जैसा आप हमेशा ऑर्डर करते हैं, लाइए मैं सर्व कर दूँ। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कावे को खुद सर्व करने वाला हूँ, क्योंकि ये साहिबा मेरी होने वाली मंगेतर है। तैयार हो ना तुम? सूंघो तो जरा। चलो शुरू करो ना। हाँ मैं लेती हूँ। बताओ कैसा बना है ये? कावे की तरह है। नहीं नहीं क्या करूं मैं, ये लड़की तो मुस्कुरा ही नहीं रही, कोई भी चीज इसे पसंद नहीं आ रही। सुनो
मुझे ना फ्लू फील हो रहा है, इसलिए मैं कुछ सूंघी नहीं पा रही। अरे अरे मैडम, इसकी खुशबू तो बहुत ही तेज है, इससे आपकी नाक भी खुल सकती है। बहुत आला। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन कावा है। ये कावा ऐसा है कि जिसको हम बहुत स्पेशल तरीके से तैयार करते हैं। इस कावे को हम बिल्ली की पोटियों से तैयार करते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी हो। अबे क्या हुआ? इधर लाओ, इधर टिश्यू लेकर आओ यार। अरे क्या हो गया इन्हें? प्लीज मैडम, क्या आप इन्हें देख लेंगे जरा? नहीं नहीं, यानी तहसीन साहब, आप और मैं आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया। दिल है किसी पे भी आ सकता है, लेकिन अगर मेरी बेटी को परेशान करेगा तो जान लो मुझे भी परेशान करेगा वो। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मार दूंगा। वैसे मैंने महसूस किया है आपकी बेगम को ये रिश्ता पसंद नहीं आया है, उनकी वजह से मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई, लड़के की माँ है, थोड़ा बहुत नखरा करना तो बनता है ना उसका। अरे आप भी छोटी छोटी बातें अपने दिल पे ले लेते हैं यार। ये देखो, खुश्क डोरमा भी तैयार हो गया। अब इसको कोफ्ते के अंदर भरकर इसके ठंडे होने का इंतजार करती हूँ। कोफ्ते हमने तैयार कर दिए हैं, फिश तैयार हो रही है, अब हमने डेजर्ट भी बना के रख दिया है फ्रिज में। अच्छा आप बताइए, आपके लिए कोई ख़ास चीज़ बनानी है क्या? ऐसा करती हूँ, आपके लिए मीठे में कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ। मुझसे कुछ मत पूछो मरियम, जो दिल चाहता है करो तुम। ऐसा मत कहें, तहसीन साहब ने ख़ास तौर पर आपके लिए कहा है मुझे। तो मुझे क्या उन्हें रहकर खुद करना चाहिए था ना फिर। रुको, क्या कर रही हो ये? क्या हो गया? तुम हमारे पूरे घर को शुगर कराओगी क्या? इतनी शक्कर कौन डालता है? छोड़ो इसे, हटो यहाँ से। थोड़ा पानी और डालो इसमें। अरे अरे मुझे क्या, करो जो मनमानी करनी है तुम लोगों को। तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें कुछ किया है मैंने? मतलब क्या मैंने तुम्हारा कोई दिल दुखाया है? देखो अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं दुखाया तो हम इतने दूर क्यों हैं? दूर हैं हम? नहीं तो देखो, कोई कैसे कह सकता है कि ये वही दोनों कपल हैं जो एक दूसरे को पहली नजर में देख के प्यार करने लगे। तुम ऐसे बैठी हो जैसे जबरदस्ती बिठाया है। अगर हमें कोई बाहर से दिखता है तो क्या दिखेगा उसे? उसे लगेगा कि रेस्टोरेंट में जगह नहीं थी, ये दोनों जबरदस्ती एक साथ बैठे हैं। समझ रही है ना मेरी बात? ये क्या बात हुई, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ यहाँ जबरदस्ती क्यों बैठने लगी? बंदूक तानी है क्या किसी ने मुझ पर? बंदूक? कैसी बंदूक? नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि हमारी मंगनी हो गई ना तो हम लोग जोर जोर से बातें करते तो अच्छा लगता। हम लोग पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे थे ना। हाँ पहली मुलाकात में ही हो क्या सब? कमाल हो शिमाल, तुम कमाल। बस अपना मूड ठीक रखो, कहीं ऐसा ना हो ये आदमी समझ जाए। क्या बात है शिवान, क्लासिक हिकमत अमली है तुम्हारी, क्लासिक। लेकिन इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आता। क्या उठे हम यहाँ से? हाँ चलते हैं। चलो चलो। हाँ चलो चलते हैं, आओ चलें। अरे वो देखो शिवान साहब आ गए। शिवान साहब, शिवान साहब आप बता सकते हैं कि लड़की आपके साथ कौन है? शिवान साहब क्या हम जान सकते हैं लड़की कौन है? क्या आप उस लड़की से शादी करने वाले हैं? शिवान हमें थोड़ी सी जल्दी है, हम इस वक्त यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे, प्लीज हमें जाने दें, प्लीज चलो चलो। अरे शिवान साहब, शिवान साहब एक सवाल का जवाब प्लीज। शिवान साहब प्लीज एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शिवान साहब तुम्हारे पीछे क्या ये लोग किसी तरह से भागते रहते हैं? अरे मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इन लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं देखा। पता है हम हमेशा इसी साइड पर मिला करते थे। अरे वो देखो जरा, वो जो है ना उस्ताद इलियास उस्ताद। तुम जानते हो क्या? तुम भी जानती हो क्या? मैं तो जानती हूँ, तुम कैसे जानते हो? हाँ मैं तो जानता हूँ। हाँ? चलो चलते हैं। अरे
अरे शिवान कैसे हो भाई? कैसे हैं इस्माइल उस्ताद? आ जाओ क्या हाल है? कैसे हैं आप? शिमाल बेटी तुम भी आई हो, अच्छा लगा आपसे मिलके। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप उस्ताद इलियास के साथ ही की थी। मैंने बहुत मेहनत की थी इनके साथ काम सीखने में। तुम कैसे जानते हो? इलियास उस्ताद दरअसल मेरे दादा के दोस्त हैं। उनकी वफात के बाद ये मेरे दादा भी हैं और उस्ताद भी। इनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो आजा चलो चलो। अरे वाह भाई, बड़े दिनों के बाद। मुझे तुम दोनों वैसे ही बहुत पसंद थे, और खुशी की बात यह है कि तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? पहले तो तुमने कभी नहीं बताया। असल में एक वाकया है, हमने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारे में बात नहीं की। अगर तुमने उस्ताद इलियास से सीखा है तो तुम इस काम में बहुत माहिर होगी। इस काम को सीखने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। मोहब्बत दिल में हो तो ये काम आ ही जाता है। शिमाल बेटी ने मोहब्बत भी की और काम भी सीखा। चलो फिर देखते हैं, मोहब्बत भी है, जुनून भी है, क्लास भी है, तो फिर तुम लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो? चलो चलो जाओ। लोग कहते हैं कि ये लड़का बहुत अमीर है, लेकिन ये तो कहीं से भी अमीर नहीं लग रहा। काश के ऐसा हो जाता कि ये झूठ मैंने बोला ही नहीं होता। उफ, ये तुम किस झंझट में पड़ गई हो शिमाल? एक मासूम सी सीधी सादी लड़की, तमाम लड़कियों से अलग लड़की। मैंने कंपनी हासिल करने के लिए ऐसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया, उसके जज्बात से खेल रहा हूं मैं। लानत हो मुझ पे। तुम्हें पता है क्या, यानी मैंने शादी का बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब इससे पहले, मतलब तुमसे शादी का। पहली नजर में मुझे ऐसा लगा कि हम में कुछ कॉमन है। जैसे हम कभी करीब आते हैं तो पता है तुम्हें क्या होता है। ऐसे मगर क्या? जज्बा। जज्बा? हमारे प्यार से जुड़ा जज्बा। अरे अरे, ये गिर गया।
नहीं टूटा। नहीं टूटा। देखो मुझे पहले की कोई बात याद नहीं, लेकिन अभी मैं सही देख रहा हूं कि हमारा आगे का मुस्तकबिल क्या है। चलो क्यों ना हम दोबारा एक नया आगाज करते हैं, वो आगाज जो हमें शादी की तरफ दोबारा ले जाए। क्यों ना एक नया आगाज करें हम दोनों। मोबाइल, मोबाइल बज रहा है मेरा। हाँ नहीं उठाऊंगी तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। ऐसा है क्या? मेरा भी मोबाइल बज रहा है, मुझे जरूरी हाँ, काम है, मैं भी आया। बात करो। हेलो, तुम ऐसे भी हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। क्यों, क्या हुआ? रुको रुको, मैं आती हूँ वहाँ पर और आकर तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हारा हाल ना ठीक कर दूँ तो मेरा नाम नाजली नहीं। नाजली, आराम से बैठ के हम लोग बात करेंगे ना। अब देखो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ शिवान साहब। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हारे अम्मी और बाबा को सब कुछ बताऊंगी, फिर पता चल जाएगा कि क्या चीज हूँ मैं। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? देखती हूँ क्या करोगे अब तुम। रुको रुको, तुम वही रुको, ठीक है ना? मैं आ रहा हूँ, हम बैठ के बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ ना, तुम वही रुको। अब क्या हुआ यार, ये लड़की क्यों गुस्सा कर रही है? वो कंपनी से फोन था, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे फौरन जाना जरूरी है, ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपने काम पे। ठीक है तो फिर मुझे जाना चाहिए। ठीक है। आओ तो तुम जरा बेईमान हरीफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आए तो तुम अपने बाप की औलाद नहीं। मैं देखती हूँ। सॉरी सॉरी, मुझे जाना है। कहाँ? मुझे कुछ जरूरी काम। जल्दी में है। जानवर आ गए तुम। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? मैं बताऊं तुम्हें क्या कर रही हूँ? तुम तो इंसानों की तरह बैठ के बात करो। इंसान इंसान, अब मैं तुम्हें बताती हूँ इंसान कैसे बात करते हैं। तुम्हारा निशाना कच्चा है। तुम आदमी हो क्या? ठहरो जरा, अभी 2 दिन ही हुए हैं हमारी शादी को, 2 दिन। शिवान, 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 आंखें खोलो। क्या आप रजब की बेटी नाजली को अपनी बीवी कबूल करते हैं? बाबा जान, क्या अपनी बीवी को कुछ भी नहीं करके जाओगे? हमारा बच्चा। मामला मामला नहीं है वो। हे, पागल हो गए हो? शिवान, तुम एक झूठी लड़की हो, समझी? मैं झूठी लड़की हूँ? और तुम जो इधर उधर दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हो वो क्या है? हाँ वो भी झूठी होगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद। अब देखो मैं क्या करता हूँ। शिवान इधर आओ, लड़ाई तो पूरी करके जाओ ना। यार देखो ना, वो लड़का पूरा दिन मुझे खुश करने की कोशिश करता रहा। ओ अल्लाह, मैं मर गई। कितना अच्छा लड़का है ये। देखो, हमने जैसा सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो सोचा था वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होगा। अरे छोड़ो भी मेरी जान इस बात को यार, बस तुम एंजॉय करो। अब कैसे एंजॉय करूं? उसका दिल इतना अच्छा है कि
मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम कुछ भी कहो मगर मुझसे ये सब नहीं होगा। शिमाल, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? देखो तुम इस कसम की फजूल बातें मत सोचना। आखिर इसमें बुराई क्या है? हर बात सच बता देते हैं। देखो फजूल बातें करने को मना किया है ना यार मैंने। देखना तुम, आज शाम में सब कुछ सच बता दूंगी। सुन लिया तुमने? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बेगम बहुत ही प्यारा हो गया है। तुम्हारे हाथ सलामत रहें। अरे भाई मेरे नहीं, शाजिया और मरियम के हाथ सलामत रहें ये कहो। मैं किसी ऐरी गैरी लड़की के लिए अपने हाथों को तकलीफ नहीं दूंगी। उकान कहाँ है? मुझे क्या पता तहसीन, सुबह लड़की को छोड़ने के लिए गया था, एक दो बार फोन किए मगर उठाया नहीं। पता नहीं ये लड़का अब क्या छुपा रहा है। देखो मेहमान आने वाले हैं और उन साहब का कुछ पता नहीं। तहसीन मेहमान न कहो उन्हें, मेहमान न कहो। अरे मेहमान न कहूं तो फिर क्या कहूं उन्हें? मेरा जी बाबा जान। क्या यही घर है? यही घर है बाबा जान। पक्की बात है? हाँ बाबा मैं जानता हूँ। चलो चलो आओ जल्दी आओ। अल्लाह के वास्ते किसी को कुछ मत बताना शिमाल, बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है। तुम्हारी किसी हरकत से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शिमाल जल्दी आओ बेटा, क्या कर रही हो? लगता है वो आ गए। चलो बेगम नीचे चलो। तुम जाकर खुशामदीद करो, मैं नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कैसे हैं? कैसे हो बेटा? आओ आओ अंदर आओ। बेटी शिवान कहाँ है? तुम्हारे साथ तो था वो। उन्हें कोई काम था चले गए। अच्छा चलो अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिवान कहाँ पे हो तुम इस वक्त? मैं आ रहा हूँ बाबा जान, रास्ते में हूँ। चलो जल्दी आओ, मेहमान आ गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बाबा जान, क्या मेरी मंगेतर भी आई हुई है? अरे हर कोई आ गया है, बस तुम जल्दी आओ। ठीक है बाबा जान, आप फिक्र ना करें, मैं थोड़ी देर में घर पे पहुँच जाऊंगा। ठीक है जल्दी आओ जल्दी आओ। तुम रुको अभी देख लेते हैं, मैं आ रहा हूं। हाँ नवाल साहिबा, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत ठीक होगी। अब से पहले तो तबीयत ठीक ही थी हमारी। मतलब मैं समझी नहीं कुछ। कुछ नहीं बस ठीक है। चले ठीक है। हाँ शुक्रिया। शिमाल बेटी तुम्हें क्या हो गया? शिमाल क्या बात है बेटी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटी बोलो जरूर। मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? लो अब ये भी कोई पूछने की बात है। मरियम, जी आ गई।
बेटी को जरा वॉशरूम तो लेके जाना। ठीक है आइए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मैं नहीं बोल सकती। लेकिन एक झूठ के साथ, इस झूठ के साथ तुम कहां तक चल सकोगी शिमाल? तुम्हें इन लोगों के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल मैं एक बहुत बड़ी झूठी लड़की हूँ। अब तुम ये बोलोगी क्या जाकर? मैं बोलूंगी, सब कुछ सही सही बताऊंगी, बता दूंगी। बाबा जान, कहां थे तुम? सब इंतजार कर रहे थे। शिमाल, अंदर है क्या? शिवान, शिमाल, अरे अपने मंगेतर को खुशामदीद नहीं कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Şimdi